आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी रंगभूमि भाग 3 B। सोफिया ने 3 दिन तक आंखें न खोली। मन न जाने किन लोकों में भ्रमण किया करता था। कभी अद्भुत, कभी भयावह दृश्य दिखाई देते थे। कभी ईशा की सौम्य मूर्ति आंखों के सामने आ जाती, कभी किसी विदुषी महिला के चंद्रमुख के दर्शन होते, जिन्हें यह सेंट मेरी समझती। 4th दिन प्रातःकाल उसने आंखें खोली तो अपने को एक सजे हुए कमरे में पाया। गुलाब और चंदन की सुगंध आ रही थी। उसके सामने कुर्सी पर वही महिला बैठी हुई थी जिन्हें उसने सुसुप्तावस्था में सेंट मेरी समझा था, और सिरहाने की ओर एक वृद्ध पुरुष बैठे थे जिनकी आंखों में दया टपकी पड़ती थी। इन्हीं को कदाचित उसने अर्ध चेतना की दशा में ईशा समझा था। स्वप्न की रचना स्मृतियों की पुनरावृत्ति मात्र होती है। सोफिया ने छिन्न स्वर में पूछा, मैं कहाँ हूँ, मम्मा कहाँ है? वृद्ध पुरुष ने कहा, तुम कुंवर भरत सिंह के घर में हो। तुम्हारे सामने रानी साहिबा बैठी हुई है। तुम्हारा जी अब कैसा है? सोफिया, अच्छी हूँ, प्यास लगी है। मम्मा कहाँ है? पापा कहाँ है? आप कौन है? रानी, यह डॉक्टर गांगुली है। 3 दिन से तुम्हारी दवा कर रहे हैं। तुम्हारे पापा मम्मा कौन है? सोफिया, पापा का नाम मिस्टर जॉन सेवक है। हमारा बंगला सिगरा में है। डॉक्टर, अच्छा तो तुम मिस्टर जॉन सेवक की बेटी हो। हम उसे जानते हैं, अभी बुलाता हूँ। रानी, किसी को अभी भेज दूँ? सोफिया, कोई जल्दी नहीं है, आ जाएंगे। मैंने जिस आदमी को पकड़ कर खींचा था उसकी क्या दशा हुई? रानी, बेटी यह ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी तरह है, उसे जरा भी आँच नहीं लगी। वह मेरा बेटा विनय है, अभी आता होगा। तुम ही ने तो उसके प्राण बचाए। अगर तुम दौड़ कर न पहुँच जाती तो आज न जाने क्या होता। मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकती। तुम मेरे कुल की रक्षा करने वाली देवी हो। सोफिया, जिस घर में आग लगी थी उसके आदमी सब बच गए? रानी, बेटी यह तो केवल अभिनय था। विनय ने यहाँ एक सेवा समिति बना रखी है। जब शहर में कोई मेला होता है या किसी से कोई दुर्घटना का समाचार आता है तो समिति वहाँ पहुंचकर सेवा सहायता करती है। उस दिन समिति की परीक्षा के लिए कुंवर साहब ने यह अभिनय किया था। डॉक्टर, कुंवर साहब देवता है, कितने गरीब लोगों की रक्षा करता है। यह समिति अभी थोड़े दिन हुए बंगाल गई थी। यहाँ सूर्य ग्रहण का स्नान होने वाला है। लाखों यात्री दूर दूर से आएंगे, उसके लिए यह सब तैयारी हो रही है। इतने में एक युवती रमणी आकर खड़ी हो गई। उसके मुख से उज्जवल दीपक के समान प्रकाश की रश्मियां छिटक रही थी। गले में मोतियों के हार के सिवा उसके शरीर पर कोई आभूषण ना था। उषा की शुभ्र छटा मूर्तिमान हो गई थी। सोफिया ने उसे एक क्षण भर देखा, तब बोली, इंदु तुम यहाँ कहाँ? आज कितने दिनों के बाद तुम्हें देखा है? इंदु चौंक पड़ी। 3 दिन से बराबर सोफिया को देख रही थी। ख्याल आता था कि इसे कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है यह याद ना आती थी। उसके बातें सुनते ही स्मृति जागृत हो गई, आंखें चमक उठी, गुलाब खिल गया। बोली, ओहो सोफी तुम हो। दोनों सखियां गले मिल गई। यह वही इंदु थी जो सोफिया के साथ नैनीताल में पढ़ती थी। सोफिया को आशा न थी कि इंदु इतने प्रेम से मिलेगी। इंदु कभी पिछली बातें याद करके रोती, कभी हंसती, कभी गले मिल जाती। अपनी माँ से उसका गुणानुवाद करने लगी। माँ उसका प्रेम देखकर फूली न समाती। अंत में सोफिया ने छेपे हुए कहा, इंदु ईश्वर के लिए अब मेरी और ज्यादा तारीफ न करो, नहीं तो मैं तुमसे ना बोलूंगी। इतने दिनों तक कभी एक खत भी ना लिखा, मुंह देखे का प्रेम करती हो। रानी, नहीं बेटी। सोफी, इंदु मुझसे कई बार तुम्हारी चर्चा कर चुकी है, यहाँ किसी से हंसकर बोलती तक नहीं। तुम्हारे सिवा मैंने इसे किसी की तारीफ करते नहीं सुना। इंदु, बहन तुम्हारी शिकायत वाजिब है, पर करूँ क्या,
मुझे खत नहीं लिखना आता। एक तो बड़ी भूल यह हुई कि तुम्हारा पता नहीं पूछा, और अगर पता मालूम भी होता तो भी मैं खत ना लिख सकती। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम हंसने न लगो, मेरा पत्र कभी समाप्त ही न होता और न जाने क्या क्या लिख जाती। कुंवर साहब को मालूम हुआ कि सोफिया बातें कर रही है, तो वह भी उसे धन्यवाद देने के लिए आए। पूरे छह पीठ के मनुष्य थे, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, मोटे कपड़े का एक नीचा कुर्ता पहने हुए थे। सोफिया ने ऐसा तेजस्वी स्वरूप कभी न देखा था। उसने अपने मन में ऋषियों की जो कल्पना कर रखी थी वह बिल्कुल ऐसी ही थी। इस विशाल शरीर में बैठी हुई विशाल आत्मा को वह दोनों नेत्रों से ताक रही थी। सोफी ने सम्मान भाव से उठना चाहा, पर कुंवर साहब मधुर स्वर में बोले, बेटी लेटी रहो, तुम्हें उठने में कष्ट होगा, लो मैं बैठ जाता हूँ। तुम्हारे पापा से मेरा परिचय है, पर क्या मालूम था कि तुम मिस्टर सेवक की बेटी हो। मैंने उन्हें बुलाया है, लेकिन मैं कह देता हूँ मैं अभी तुम्हें ना जाने दूंगा। यह कमरा अब तुम्हारा है, और यहाँ से चले जाने पर भी तुम्हें एक बार नित्य यहाँ आना पड़ेगा। रानी से जानवी, यहाँ पियानो मंगवा कर रख दो। आज मिस सोहराब जी को बुलवाकर सोफिया का एक तैल चित्र खिंचवाओ। सोहराब जी ज्यादा कुशल है, पर मैं यह नहीं चाहता कि सोफिया को उनके सामने बैठना पड़े। वह चित्र हमें याद दिलाता रहेगा कि किसने महान संकट के अवसर पर हमारी रक्षा की। रानी, कुछ नाच भी दान कर दूं? यह कहकर रानी ने डॉक्टर गांगुली की ओर देखकर आंखें मटकाई। कुंवर साहब तुरंत बोले, फिर वही ठकोसले, इस जमाने में जो दरिद्र है उसे दरिद्र होना चाहिए, जो भूखो मरता है उसे भूखो मरना चाहिए। जब 2 घंटे की मेहनत से खाने भर को मिल सकता है, तो कोई सबब नहीं कि क्यों कोई आदमी भूखो मरे। दान ने हमारी जाति में जितने आलसी पैदा कर दिए हैं, उतने सब देशों ने मिलकर भी ना पैदा किए होंगे। दान का इतना महत्व क्यों रखा गया, यह मेरी समझ में नहीं आता। रानी, ऋषियों ने भूल की कि तुमसे सलाह न ले ली। कुंवर, हाँ मैं होता तो साफ कह देता, आप लोग यह आलस्य कुकर्म और अनाज का बीज बो रहे हैं। दान आलस्य का मूल है, और आलस्य सब पापों का मूल है, इसलिए दान ही सब पापों का मूल है। कम से कम पोषक तो अवश्य ही है, दान नहीं। अगर जी चाहता है तो मित्रों को एक भोज दे दो। डॉक्टर गांगुली, सोफिया तुम राजा साहब की बात सुनती है, तुम्हारा प्रभु मसीह तो दान को सबसे बढ़कर महत्व देता है, तुम कुंवर साहब से कुछ नहीं कहती। सोफिया ने इंदु की ओर देखा और मुस्कुराकर आंखें नीचे कर ली, मानो कह रही थी कि मैं इनका आदर करती हूँ, नहीं तो जवाब देने में असमर्थ नहीं हूँ। सोफिया मन ही मन इन प्राणियों के पारस्परिक प्रेम की तुलना अपने घर वालों से कर रही थी। आपस में कितनी मोहब्बत है, माँ बाप दोनों इंदु पर प्राण देते हैं, एक मैं अभागनी हूँ कि कोई मुंह भी नहीं देखना चाहता। 4 दिन यहाँ परे हो गए, किसी ने खबर तक ना ली, किसी ने खोज ही ना की होगी। मम्मा ने तो समझा होगा कहीं डूब मरी, मन में प्रसन्न हो रही होगी कि अच्छा हुआ सिर से बला टली। मैं ऐसे सहृदय प्राणियों में रहने योग्य नहीं हूँ, मेरी इनसे क्या बराबरी। जबकि यहाँ किसी के व्यवहार में दया की झलक भी न थी, लेकिन सोफिया को उन्हें अपना इतना आदर सत्कार करते देखकर अपनी दीनावस्था पर ग्लानी होती थी। इंदु से भी शिष्टाचार करने लगी। इंदु उसे प्रेम से तुम कहती थी, पर वह उसे आप कहकर संबोधित करती थी। कुंवर साहब कह गए थे कि मैंने मिस्टर सेवक को सूचना दे दी है, वह आते ही होंगे। सोफिया को अभी अब भय होने लगा कि कहीं वह आ ना रहे हों। आते ही आते मुझे अपने साथ चलने को कहेंगे, मेरे सिर पर वही विपत्ति पड़ेगी। इंदु ने अपनी विपत्ति कथा कहूं तो शायद उसे मुझसे कुछ सहानुभूति हो। वह नौकरानी यहाँ बैठी बैठी हुई है, इंदु आई भी है तो उससे कैसे बातें करूंगी। पापा के आने के पहले एक बार इंदु से एकांत में मिलने का मौका मिल जाता तो अच्छा होता। क्या करूं, इंदु को बुला भेजूं, ना जाने क्या करने लगी। पियानो बजाऊं तो शायद सुनकर आए। उधर इंदु भी सोफिया से कितनी ही बातें करना चाहती थी। रानी जी के सामने उसे दिल की बातें करने का अवसर न मिला था। डर रही थी कि सोफिया के पिता उसे लेते गए तो फिर मैं अकेली हो जाऊंगी। डॉक्टर गांगुली ने कहा था कि इन्हें ज्यादा बातें मत करने देना,
आज और आराम से सो लें तो फिर कोई चिंता न रहेगी, इसलिए वह आने का इरादा करके भी रह जाती थी। आखिर 9 बजते बजते वह अधीर हो गई। आकर नौकरानी को अपना कमरा साफ करने के बहाने से हटा दिया और सोफिया के सिरहाने बैठकर बोली, क्यों बहन, बहुत कमजोरी तो नहीं मालूम होती? सोफिया, बिल्कुल नहीं, मुझे तो मालूम होता है कि मैं चंगी हो गई हूँ। इंदु, तुम्हारे पापा कहीं तुम्हें अपने साथ ले गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम भी उनकी राह देख रही हो, उनके आते ही खुश होकर चली जाओगी और शायद फिर कभी याद न करोगी। यह कहते कहते इंदु की आंखें सजल हो गई। मनोभावों के अनुचित आवेश को हम बहुधा मुस्कुराहट से छिपाते हैं। इंदु की आंखों में आंसू भरे हुए थे पर वह मुस्कुरा रही थी। सोफिया बोली, आप मुझे भूल सकती हैं पर मैं आपको कैसे भूलूंगी? वह अपने दिल का दर्द सुनाने की जा रही थी कि संकोच में आकर जबान बंद कर दी। बात फेर कर बोली, मैं कभी कभी आपसे मिलने आया करूंगी। इंदु, मैं तुम्हें वहां से अभी 15 दिन तक न जाने दूंगी। धर्म बाधक न होता तो कभी न जाने देती। अम्मा जी तुम्हें अपनी बहू बनाकर छोड़ती, तुम्हारे ऊपर बेतरह रीझ गई हैं। जहां बैठती हैं तुम्हारी ही चर्चा करती हैं। विनय भी तुम्हारे हाथों बिका हुआ सा जान पड़ता है। तुम चली जाओगी तो सबसे ज्यादा दुख उसी को होगा। एक बात भेद की तुमसे कहती हूँ, अम्मा जी तुम्हें कोई चीज तोहफा समझ करते हैं तो तुम इनकार मत करना, नहीं तो उन्हें बहुत दुख होगा। इस प्रेम में आग्रह ने संकोच का लंगर उखाड़ दिया। जो अपने घर में नित्य कटु शब्द सुनने का आदि हो, उसके लिए उतनी मधुर सहानुभूति काफी से ज्यादा थी। अब सोफी को इंदु से अपने मनोभावों को गुप्त रखना मैत्री के नियमों के विरुद्ध प्रतीत हुआ। करुण स्वर में बोली, इंदु, मेरा वश चलता तो कभी रानी के चरणों को ना छोड़ती, पर अपना क्या काबू है, यह स्नेह और कहाँ मिलेगा? इंदु यह भाव न समझ सकी, अपनी स्वाभाविक सरलता से बोली, कहीं विवाह की बातचीत हो रही है क्या? उसकी समझ में विवाह के सिवा लड़कियों के इतना दुखी होने का कोई कारण ना था। सोफिया, मैंने तो इरादा कर लिया है कि विवाह न करूंगी। इंदु, क्यों? सोफिया, इसलिए कि विवाह से मुझे अपनी धार्मिक स्वाधीनता त्याग देनी पड़ेगी। धर्म विचार स्वतंत्रता का गला घोट देता है। मैं अपनी आत्मा को किसी मत के हाथ नहीं बेचना चाहती। मुझे ऐसा ईसाई पुरुष मिलने की आशा नहीं जिसके हृदय इतना उदार हो कि वह मेरी धार्मिक शंकाओं को दरगुजर कर सके। मैं परिस्थिति से विवश होकर ईशा को खुदा का बेटा और अपना मुक्तिदाता नहीं मान सकती। विवश होकर गिरजाघर में ईश्वर की प्रार्थना करने नहीं जाना चाहती। मैं ईशा को ईश्वर नहीं मान सकती। इंदु, मैं तो समझती थी तुम्हारे यहाँ हम लोगों के यहाँ से कहीं ज्यादा आ जाती है। जहाँ चाहो अकेली जा सकती हो, हमारा घर तो निकलना मुश्किल है। सोफिया, लेकिन इतनी धार्मिक संकीर्णता तो नहीं है। इंदु, नहीं, कोई किसी को पूजा पाठ के लिए मजबूर नहीं करता। बाबूजी नित्य गंगा स्नान करते हैं, घंटों शिव की आराधना करते हैं। अम्मा जी कभी भूलकर भी स्नान करने नहीं जाती, न किसी देवता की पूजा करती है, पर बाबूजी कभी आग्रह नहीं करते। भक्ति तो अपने विश्वास और मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। हम भाई बहन के विचारों में आकाश पाताल का अंतर है। मैं कृष्ण की उपासिका हूँ, बिना ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता, पर बाबूजी हम लोगों से कभी कुछ नहीं कहते और ना हम भाई बहन में कभी इस विषय पर वाद विवाद होता है। सोफिया, हमारी स्वाधीनता लौकिक और इसलिए मिथ्या है। आपकी स्वाधीनता मानसिक और इसलिए सत्य है। असली स्वाधीनता वही है जो विचार के प्रवाह में बाधक न हो। इंदु, तुम गिरजे में कभी नहीं जाती? सोफिया, पहले दुराग्रह बस जाती थी, अब की नहीं गई। इस पर घर के लोग बहुत नाराज हुए, बुरी तरह तिरस्कार किया गया। इंदु ने प्रेममयी सरलता से कहा, वे लोग नाराज हुए होंगे तो तुम बहुत रोई होगी, इन प्यारी आंखों से आंसू बहे होंगे, मुझसे किसी का रोना नहीं देखा जाता। सोफिया, पहले रोया करती थी, अब परवाह नहीं करती। इंदु, मुझे तो कोई कुछ नहीं कह देता, कुछ कह देता है तो मैं हृदय पर तीर सा लगता है, दिन दिन भर रोती ही रह जाती हूँ, आंसू ही नहीं थमते। वह बात बार बार हृदय में चुभा करती है। सच पूछो तो मुझे किसी के क्रोध पर रोना नहीं आता, रोना आता है अपने ऊपर की मैंने उन्हें क्यों नाराज किया, क्यों मुझसे ऐसी भूल हुई।
सोफिया को भ्रम हुआ कि इंदु अपने क्षमाशीलता से लज्जित करना चाहती है। माथे पर शिकन पड़ गई। बोली, मेरी जगह पर आप होती तो ऐसा ना करती। आखिर क्या आप अपने धार्मिक विचारों को छोड़ बैठती? इंदु, यह तो नहीं कह सकती कि क्या करती, पर घर वालों को प्रसन्न रखने की चेष्टा किया करती। सोफिया, आपकी माता जी अगर आपको जबरदस्ती कृष्ण की उपासना करने से रोके तो आप मान जाएंगी? इंदु, हाँ मैं तो मान जाऊंगी, अम्मा को नाराज ना करूंगी। कृष्ण तो अंतर्यामी है, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए उपासना की जरूरत नहीं। उपासना तो केवल अपने मन के संतोष के लिए है। सोफिया, आश्चर्य से, आपको जरा भी मानसिक पीड़ा ना होगी? इंदु, अवश्य हो, पर उनकी खातिर मैं सह लूंगी। सोफिया, अच्छा अगर वह आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका विवाह करना चाहे तो? इंदु लजाते हुए, वह समस्या तो हल हो चुकी, माँ बाप ने जिससे उचित समझा कर दिया, मैंने जबान तक नहीं खोली। सोफिया, अरे यह कब? इंदु, इसे तो 2 साल हो गए। आंखें नीची करके, अगर मेरा अपना बस होता तो उन्हें कभी न बढ़ती, चाहे कुमारी ही रहती। मेरे स्वामी मुझसे प्रेम करते हैं, धन की कोई कमी नहीं, पर मैं उनके हृदय के केवल चतुर्थांश की अधिकारिणी हूँ। उसके 3 भाग सार्वजनिक कामों में भेंट होते हैं, 1 के बदले 1/4 पाकर कौन संतुष्ट हो सकता है? मुझे तो बाजरे की पूरी बिस्किट के 1/4 हिस्से से कहीं अच्छी मालूम होती है। क्षुधा तो तृप्त हो जाती है, पर भोजन का यथार्थ उद्देश्य है। सोफिया, आपकी धार्मिक स्वाधीनता में तो बाधा नहीं डालते? नहीं, उन्हें इतना अवकाश कहाँ। सोफिया, तब तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी। इंदु, अगर किसी कैदी को बधाई देना उचित हो तो शौक से दे दो। सोफिया, बड़े प्रेम की हो तो? ऐसा होता तो मैं तुमसे बधाई देने को आग्रह करती। मैं बंध गई, वह मुक्त है। मुझे यहाँ आए 3 महीने होने आते हैं, पर 3 बार से ज्यादा नहीं आए, और वह भी 1-1 घंटे के लिए। इसी शहर में रहते हैं, 10 मिनट में मोटर आ सकती है, पर इतनी फुर्सत किसे है? हाँ, पत्रों से अपनी मुलाकात का काम निकालना चाहते हैं, और वे पत्र भी क्या होते हैं, आदि से अंत तक अपने दुखों से भरे हुए। आज यह काम है, कल वह काम है, इनसे मिलने जाना है, उनका स्वागत करना है। म्यूनिसिपलिटी के प्रधान क्या हो गए, राज्य मिल गया, जब देखो वही धुन सवार, और सब कामों के लिए फुर्सत है। अगर फुर्सत नहीं है तो सिर्फ यहाँ आने की। मैं तुम्हें चिताए देती हूँ, किसी देश सेवक से विवाह न करना, नहीं तो पछताओ। तुम उसके अवकाश के समय की मनोरंजन सामग्री मात्र रहोगी। सोफिया, मैं तो पहले ही अपना मन स्थिर कर चुकी, सबसे अलग ही अलग रहना चाहती हूँ, जहाँ मेरी स्वाधीनता में बाधा डालने वाला कोई ना हो। मैं सत्य पक्ष पर रहूंगी या कुपथ पर चलूंगी, यह जिम्मेवारी भी अपने ही सर लेना चाहती हूँ। मैं बालिग हूँ और अपना नफा नुकसान देख सकती हूँ। आजन्म किसी की रक्षा में नहीं रहना चाहती, क्योंकि रक्षा का कार्य प्राधीनता के सिवा और कुछ नहीं। इंदु, क्या तुम अपने मम्मा और पापा के अधीन नहीं रहना चाहती? सोफिया, ना, प्राधीनता में प्रकार का नहीं, केवल मात्राओं का अंतर है। इंदु, तुम मेरे ही घर क्यों नहीं रहती? मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी, और अम्मा जी ने तो तुम्हें आंखों की पुतली बनाकर रखेगी। मैं चली जाती हूँ तो वह अकेले घबराया करती है, तुम्हें पा जाए तो फिर गला ना छोड़े। कहो तो अम्मा से कहूँ तो वह तुम्हारी यहाँ तुम्हारी स्वाधीनता में कोई दखल ना देगा। बोलो, कहूँ जाकर अम्मा से? सोफिया, अभी भूल कर भी नहीं, आपकी अम्मा जी को जब मालूम होगा कि इसके माँ बाप इसकी बात नहीं पूछते, मैं उसकी आंखों से भी गिर जाऊंगी। जिसकी अपने घर में इज्जत नहीं, उसके बाहर भी इज्जत नहीं होती। इंदु, नहीं सोफी, अम्मा जी का स्वभाव बिल्कुल निराला है। जिस बात से तुम्हें अपने निरादर का भय है, वही बात अम्मा जी के आदर की वस्तु है। वह स्वयं अपनी माँ से किसी बात पर नाराज हो गई थी, तब से मैके नहीं गई। नानी मर गई पर अम्मा ने उन्हें क्षमा नहीं किया, सैकड़ों बुलावे आए पर उन्हें देखने तक न गई। उन्हें ज्यों ही यह बात मालूम होगी, तुम्हारी दूनी इज्जत करने लगेंगी। सोफी ने आंखों में आंसू भर कर कहा, बहन मेरी लाज अब आप ही के हाथ में है। इंदु ने अपना सिर अपनी जांग पर रख कर कहा, वह मुझे अपनी लाज से कम प्रिय नहीं है। उधर मिस्टर जॉन सेवक को कुंवर सिंह का पत्र मिला तो जाकर स्त्री से बोले, देखो मैं कहता न था कि सोफी पर कोई संकट आ पड़ा, यह देखो
कुंवर भरत सिंह का पत्र है। 3 दिन से उनके घर में पड़ी हुई है। उनके एक झोपड़े में आग लग गई थी, वह भी उसे बुझाने लगी, वही लपट में आ गई। मिसेज सेवक, ये सब बहाने हैं, मुझे उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं रहा। जिसका दिल खुदा से फिर गया उसे झूठ बोलने का क्या डर। यहाँ से बिगड़ कर गई थी, समझा होगा घर से निकलते ही फूलों की सेज बिछी हुई मिलेगी। जब कहीं शरण न मिली तो यह पत्र लिखवा दिया। अब आटे दाल का भाव मालूम होगा। यह भी संभव है खुदा ने उसके अविचार का यह दंड दिया हो। मिस्टर जॉन सेवक, चुप भी रहो, तुम्हारी निर्दयता पर मुझे आश्चर्य होता है। मैंने तुम जैसी कठोर हृदय स्त्री नहीं देखी। मिस्टर सेवक, मैं तो नहीं जाती, तुम्हें जाना हो तो जाओ। जॉन सेवक, मुझे तो देख रही हो, मरने की फुर्सत नहीं है। उसी पांडेपुर वाली जमीन के विषय में बातचीत कर रहा हूँ। ऐसे मुंजी से पाला पड़ा है कि किसी तरह चंगुल में नहीं आता। देहातियों को जो लोग सरल कहते हैं बड़ी भूल करते हैं। इनसे ज्यादा चालाक आदमी मिलना मुश्किल है। तुम्हें इस वक्त कोई आदमी नहीं है, मोटर मंगवाए देता हूँ, शाम से चली जाओ और उसे अपने साथ लेती आओ। ईश्वर सेवक वहीं आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए ईश्वर भजन में मगन बैठे थे। जैसे बहरा आदमी मतलब की बातें सुनते ही सचेत हो जाता है। मोटर कार का जिक्र सुनते ही ध्यान टूट गया। बोले, मोटर कार की क्या जरूरत है, क्या 10-5 रुपये काट रहे हैं? यूं उड़ाने से तो कारों की खजाना भी काफी ना होगा, क्या गाड़ी पर न जाने से शान में फर्क आ जाएगा? तुम्हारी मोटर देखकर कुंवर साहब रोड में न आएंगे, उन्हें खुदा ने बहुतेरी मोटरें दी हैं। प्रभु दास को अपनी शरण में लो, अब देरी ना करो। मेरी सोफी बेचारी वहाँ बेगानों में पड़ी हुई है, न जाने कितने दिन किस तरह काटे होंगे। खुदा उसे सच्चा रास्ता दिखाए, मेरी आंखें उसे ढूंढ रही है। वहाँ उस बेचारी का कौन कुछ तर होगा, अमीरों के घर में गरीबों का कहाँ गुजर। जॉन सेवक, अच्छा ही हुआ, यहाँ होती तो रोजाना डॉक्टर की फीस न देनी पड़ती। ईश्वर सेवक, डॉक्टर का क्या काम था, ईश्वर की दया से मैं खुद थोड़ी बहुत डॉक्टरी कर लेता हूँ। घर वालों का स्नेह डॉक्टर की दवाओं से कहीं ज्यादा लाभदायक होता है। मैं अपनी बच्ची को गोद में लेकर कलामे पाक सुनाता, उसके लिए खुदा से दुआ मांगता। मिसेज सेवक, तो आप ही चले जाइए। ईश्वर सेवक, सिर और आंखों से मेरा तांगा मंगवा दो, हम सबों को चलना चाहिए। भूले भटके को प्रेम ही सन्मार्ग पर लाता है। मैं भी चलता हूँ, अमीरों के सामने दीन बनना पड़ता है, उनसे बराबरी का दावा नहीं किया जाता। जॉन सेवक, मुझे अभी साथ ना ले जाएं, मैं किसी दूसरे अवसर पर जाऊंगा। इस वक्त वहाँ शिष्टाचार के सिवा और कोई काम ना होगा। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, वह मुझे धन्यवाद देंगे। मैं इस परिचय को दैवी प्रेरणा समझता हूँ, इत्मीनान से मिलूंगा। कुंवर साहब का शहर में बड़ा दबाव है, म्यूनिसिपलिटी के प्रधान उनके दामाद हैं। उनकी सहायता से मुझे पांडेपुर वाली जमीन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। संभव है वह कुछ हिस्से भी खरीद लें, मगर आज इन बातों का मौका नहीं है। ईश्वर सेवक, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आती है। जिस आदमी से राह रस्म पैदा करके तुम्हारे इतने काम निकल सकते हैं, उससे मिलने में भी तुम्हें इतना संकोच। तुम्हारा समय इतना बहुमूल्य कि आधा घंटे के लिए वहाँ नहीं जा सकते, पहले ही मुलाकात में सारी बातें तय कर लेना चाहते हो। ऐसा सुनहरा अवसर पाकर भी तुम्हें उससे फायदा उठाना नहीं आता। जॉन सेवक, खैर आपका अनुरोध है तो मैं ही चला जाऊंगा, मैं एक जरूरी काम कर रहा था, फिर कर लूंगा, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं। स्त्री से, तुम तो चल रही हो। मिसेज सेवक, मुझे नाहक ले चलते हो, मगर खैर चल लो। भोजन के बाद चलना निश्चित हुआ। अंग्रेजी प्रथा के अनुसार यहाँ दिन का भोजन 1 बजे होता था, जिससे वृद्धावस्था ने भी उन्हें विरक्त नहीं किया था। अपना अच्छे से अच्छा गाउन और ब्लाउज निकाला, इतना श्रृंगार वह अपनी बरसगांठ के सिवा और किसी उत्सव में न करती थी। उद्देश्य था सोफिया को जलाना, उसे दिखाना कि तेरे आने से मैं रो रो कर मरी नहीं जा रही। कोचवान को गाड़ी धोकर साफ करने का हुक्म दिया गया, प्रभु सेवक को भी साथ ले चलने की राय है। लेकिन जॉन सेवक ने जाकर उसके कमरे में देखा तो उसका पता ना था। उसकी मेज पर एक दर्शन ग्रंथ खुला पड़ा था, मालूम होता था पढ़ते पढ़ते उठकर कहीं चला गया है। वास्तव में यह ग्रंथ 3 दिनों से इसी भांति पड़ा हुआ था, प्रभु सेवक को उसे बंद करके रख देने का अवकाश न था।
वह प्रातः काल से दो घड़ी रात तक शहर का चक्कर लगाया करता। केवल दो बार भोजन करने घर आता था। ऐसा कोई स्कूल न था जहां उसने सोफी को न ढूंढा हो। कोई जान पहचान का आदमी, कोई मित्र ऐसा न था जिसके घर जाकर उसने तलाश न की। दिन भर की दौड़ धूप के बाद रात को निराश होकर लौट आता और चारपाई पर लेटकर घंटों सोचता और रोता, कहाँ चली गई। पुलिस के दफ्तर में दिन भर में 10-10 बार जाता और पूछता, कुछ पता चला। समाचार पत्रों में भी सूचना दे रखी थी। वहां भी रोज कई बार जाकर दरपियात करता। उसे विश्वास होता जाता था कि सोफी हमसे सदा के लिए विदा हो गई। आज भी रोज की भांति 1 बजे थका मांदा, उदास और निराश लौट कर आया तो जॉन सेवक ने शुभ सूचना दी, सोफिया का पता मिल गया। प्रभु सेवक का चेहरा खिल उठा, बोला, सच? कहां? क्या उसका कोई पत्र आया है? जॉन सेवक, कुंवर भरत सिंह के मकान पर है। जाओ खाना खा लो, तुम्हें भी वहां चलना है। प्रभु, मैं तो लौट कर खाना खाऊंगा, भूख गायब हो गई है तो अच्छी तरह। मिसेज से, हाँ हाँ बहुत अच्छी तरह है, खुदा ने यहाँ से रूठ कर जाने की सजा दे दी। मम्मा, खुदा ने आपका दिल न जाने किस पत्थर का बनाया है। क्या घर से आप ही रूठ कर चली गई थी? आप ही ने से उसे निकाला और अब भी आपको उस पर जरा भी दया नहीं आती? मिसेज से, गुमराहों पर दया करना पाप है। प्रभु से, अगर सोफी गुमराह है तो ईसाइयों में 100 में से 99 आदमी गुमराह है। वह धर्म का श्वांग नहीं दिखाना चाहती, यही उसमें दोष है। नहीं तो प्रभु मसीह से जितनी श्रद्धा उसे है उतनी उन्हें भी न होगी जो ईशा पर जान देते हैं। मिसेज सेवक, खैर मालूम हो गया कि तुम उसकी वकालत खूब कर सकते हो, मुझे इन दलीलों को सुनने की फुर्सत नहीं। यह कहकर मिसेज सेवक वहां से चली गई। भोजन का समय आया, लोग मेज पर बैठे। प्रभु सेवक आग्रह करने पर भी न गया। तीनों आदमी फिटन पर बैठे तो ईश्वर सेवक ने चलते चलते जॉन सेवक से कहा, सोफी तो जरूर साथ लाना और इस अवसर को हाथ से न जाने देना। प्रभु मसीह तुम्हें सद्बुद्धि दे, सफल मनोरथ करे। थोड़ी देर में फिटन कुंवर साहब के मकान पर पहुंच गई। कुंवर साहब ने बड़े तपाक से उनका स्वागत किया। मिसेज साहब ने मन में सोचा था, मैं सोफिया से एक शब्द भी न बोलूंगी, दूर से खड़ी देखती रहूंगी। लेकिन जब सोफिया के कमरे में पहुंची और उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो शोक से कलेजा महसूस हुआ। मातृ स्नेह उबल पड़ा, अधीर होकर उससे लिपट गई, आंखों से आंसू बहने लगे। इस प्रवाह में सोफिया का मनोमालिन्य बह गया। उसने दोनों हाथ माता की गर्दन में डाल दिए और कई मिनट तक दोनों प्रेम का स्वर्गीय आनंद उठाती रही। जॉन सेवक ने सोफिया का माथा चुमा किंतु प्रभु सेवक आंखों में आंसू भरे उसके सामने खड़ा रहा। आलिंगन करते हुए उसे भय होता था कि कहीं हृदय फट न जाए। ऐसे अवसरों पर उसके भाव और भाषा दोनों ही शिथिल हो जाते थे। अब जॉन सेवक सोफी को देखकर कुंवर साहब के साथ बाहर चले गए तो मिसेज सेवक बोली, तुझे उस दिन क्या सूझी कि यहाँ चली आई? यहाँ अजनबियों में परे परे तेरी तबीयत घबराती रही होगी। ये लोग अपने धन के घमंड में तेरी बात भी न पूछते होंगे। सोफिया, नहीं मम्मा, यह बात नहीं है। घमंड तो यहाँ किसी में छू भी नहीं सक गया है। सभी सरदृढ़ता और विनय के पुतले हैं। यहाँ तक कि नौकर चाकर भी इशारों पर काम करते हैं। मुझे आज 4th दिन होश आया है, पर इन लोगों ने इतने प्रेम से सेवा श्रुषा न की होती तो शायद मुझे हफ्तों बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता। मैं अपने घर में भी ज्यादा से ज्यादा इतने ही आराम से रहती। मिसेज सेवक, तुमने अपनी जान जोखिम में डाली थी तो क्या ये लोग इतना भी करने से रहे? सोफिया, नहीं मम्मा, ये लोग अत्यंत सुशील और सज्जन है। खुद रानी जी प्रायः मेरे पास बैठी पंखा झेलती रहती हैं। कुंवर साहब दिन में कई बार आकर देखे जाते हैं और इंदु से तो मेरा बहनापा सा हो गया है। यही लड़की है जो मेरे साथ नैनीताल में पढ़ा करती थी। मिसेज सेवक चिढ़कर, तुझे दूसरों में सब गुण ही गुण नजर आते हैं। अब गुण सब घर वालों ही के हिस्से में पड़े हैं, यहाँ तक कि दूसरे धर्म भी अपने धर्म से अच्छे हैं। प्रभु सेवक, मम्मा आप तो जरा जरा सी बात पर तिनक उठती हैं। अगर कोई अपने साथ अच्छा बर्ताव करे तो क्या उसका एहसान न माना जाए? कृतज्ञता से बुरा कोई दूषण नहीं। मिसेज से, यह कोई आज नई बात हो रही है? घर वालों की निंदा तो इसकी आदत हो गई है। यह मुझे जताना चाहती है कि ये लोग इसके साथ मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। देखूं यहाँ से ज़्यादा है तो कौन सा तोहफा दे देते हैं।
कहाँ है तेरी रानी साहिबा? मैं भी उन्हें धन्यवाद दे दूं, उनसे आज्ञा ले लो और घर चलो, पापा अकेले घबरा रहे होंगे। सोफिया, वह तो मुझसे मिलने को बहुत उत्सुक थी, कब की आ गई होती, पर कदाचित हमारे बीच में बिना बुलाए आना अनुचित समझती होंगी। पर उसे मम्मा, अभी सोफी को यहाँ दो चार दिन और आराम से पड़ी रहने दीजिए, अभी इसे उठने में कष्ट होगा, देखिए कितनी दुर्बल हो गई। सोफिया, रानी जी भी यही कहती थी कि अभी मैं तुम्हें जाने ना दूंगी। मिसेज सेवक, यह क्यों नहीं कहती कि तेरा ही जी यहाँ से जाने को नहीं चाहता, वहां तेरा इतना प्यार कौन करेगा? सोफिया, नहीं मम्मा, आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं, मैं अब यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहती, इन लोगों को मैं अब और कष्ट नहीं दूंगी, मगर एक बात मुझे मालूम हो जाना चाहिए, मुझ पर फिर तो अत्याचार न किया जाएगा, मेरी धार्मिक स्वतंत्रता में फिर तो कोई बाधा न डाली जाएगी। प्रभु सेवक, सोफी तुम व्यर्थ इन बातों की क्यों चर्चा करती हो, तुम्हारे साथ कौन सा अत्याचार किया जाता है, जरा सी बात का बतंगड़ बनाती हो। मुझे सेवक, नहीं तूने यह बात पूछ ली, बहुत अच्छा किया, मैं भी मुगलाते में नहीं रखना चाहती, मेरे पर घर में प्रभु मसीह के द्रोहियों के लिए जगह नहीं है। प्रभु सेवक, आप नहा कुछ से उलझती हैं, समझ लीजिए कोई पगली बक रही है। मिसेज सेवक, क्या करूं, मैंने तुम्हारी तरह दर्शन नहीं पढ़ा, यथार्थ को स्वप्न नहीं समझ सकती, यह गुण तो तत्वज्ञानियों ही में हो सकता है, यह मत समझो कि मुझे अपनी संतान से प्रेम नहीं है, खुदा जानता है मैंने तुम्हारी खातिर क्या क्या कष्ट नहीं झेले, उस समय तुम्हारे पापा एक दफ्तर में क्लर्क थे, घर का सारा काम काज मुझी को करना पड़ता था, बाजार जाती, खाना पकाती, झाड़ू लगाती, तुम दोनों ही बचपन में कमजोर थे, नित्य एक न एक रोग लगा ही रहता था, घर के कामों से जरा फुर्सत मिलती तो डॉक्टर के पास जाती, बहुधा तुम्हें गोद में लिए ही लिए रातें काट जाती, इतने आत्मसमर्पण से पाली हुई संतान को जब ईश्वर से विमुख होते देखती हूँ तो मैं दुख और क्रोध से बावली हो जाती हूँ, तुम्हें मैं सच्चा इंसान का पक्का मसीह का भक्त बनाना चाहती थी, इसके विरुद्ध जब तुम्हें यीशु से मुंह मोड़ने लगती हो, उनके उपदेश और उनके जीवन और उनके अलौकिक कृत्यों पर शंका करते पाती हूँ तो मैं हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और यही इच्छा होती है कि इसकी सूरत न देखूं, मुझे अपना मसीह सारे संसार से, यहाँ तक कि अपनी जान से भी प्यारा है। सोफिया, आपको यीशु इतना प्यारा है तो मुझे भी अपनी आत्मा, अपना ईमान उससे कम प्यारा नहीं है, मैं उस पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं सह सकती। मिसेज, खुदा तुझे इस व्यक्ति का सजा देगा, मेरी उससे यही प्रार्थना है कि वह फिर मुझे तेरी सूरत न दिखा। यह कहकर मिसेज सेवक कमरे के बाहर निकल आई, रानी और इंदु उधर से आ रही थी, द्वार पर उनसे भेंट हो गई, रानी जी मिसेज सेवक के गले लिपट गई और कृतज्ञतापूर्ण शब्दों को दरिया बहा दिया। मिसेज सेवक को इस साधु प्रेम में बनावट की बू आई, लेकिन रानी की मानव चरित्र का ज्ञान न था। इंदु से बोली, देख मिस सोफिया से कह दे अभी जाने की तैयारी ना करे। मिसेज सेवक, आप मेरी खातिर से सोफिया को अभी दो चार दिन यहाँ रहने दे, मैं आपसे सविनय अनुरोध करती हूँ, अभी मेरा मन उसकी बातों से तृप्त नहीं हुआ और ना उसकी कुछ सेवा ही कर सकी, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं स्वयं उसे आपके पास पहुँचा दूंगी, जब तक वह यहाँ रहेगी आपसे दिन में एक बार भेंट तो होती ही रहेगी, धन्य है आप जो ऐसी सुशीला लड़की पाई, दया और विवेक की मूर्ति है, आत्म त्याग तो इसमें कुट कुट कर भरा हुआ है। मिसेज सेवक, मैं इसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर नहीं करती, आप जितने दिन चाहे शौक से रखें। रानी, बस बस मैं इतना ही चाहती थी, आपने मुझे मोल ले लिया, आपसे ऐसी ही आशा भी थी, आप इतनी सुशीला ना होती तो लड़की में ये गुण कहाँ से आते, मेरी एक इंदु है कि बातें करने का भी ढंग नहीं जानती, एक बड़ी सियासत की रानी है पर इतना भी नहीं जानती कि मेरा वार्षिक आय कितना है, लाखों के गहने संदूक में पड़े हुए हैं, उन्हें छूती तक नहीं, हाँ सैर करने को कह दीजिए तो दिन भर घुमा करे। क्यों इंदु, झूठ कहती हूँ? इंदु तो क्या करूँ, मन भर सोना लादे बैठी हूँ, मुझे तो इस तरह अपना देह को जकड़ना अच्छा नहीं लगता। रानी, सुनी आपने इसकी बातें, गहनों से इसका देह जकड़ जाती है, आइए अब आपको अपने घर की सैर कराऊं, चाय बनाने को कह दो। मिसेज सेवक, मिस्टर सेवक बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे होंगे, देर होगी,
देवरानी, वाह इतनी जल्दी, कम से कम आज यहाँ भोजन तो कर ही लीजिएगा, लंच करके हवा खाने चलें, फिर लौट कर कुछ देर गपशप करें, डिनर के बाद मेरी मोटर आपको घर पहुँचा देगी। मिसेस सेवक इनकार न कर सके, रानी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपने राजभवन की सैर कराने लगी। आधा घंटे तक मिसेस सेवक मानो इंद्रलोक की सैर करती रही। भवन क्या था, आमोद विलास रसज्ञता और वैभव का क्रीड़ा स्थल था। संगमरमर के फर्श पर बहुमूल्य कालीन बिछे हुए थे, चलते समय उनमें पैर धंस जाते थे। दीवारों पर मनोहर पच्चीकारी, कमरों की दीवारों में बड़े बड़े आदम कद आईने गुलकारी, इतनी सुंदर कि आंखें मुक्त हो जाए। शीशे की अमूल्य अलभ्य वस्तुएं, प्राचीन चित्रकारों की विभूतियां, चीनी के विलक्षण गुलदान, जापान चीन यूनान और ईरान की कला निपुणता के उत्तम नमूने, सोने के गमले, लखनऊ की बोलती हुई मूर्तियां, इटली के बने हुए हाथी दांत के पलंग, लकड़ी के नफीस ताक, दीवार गिरे किश्तियां, आंखों को लुभाने वाली पिंजरों में चहकती हुई भांति भांति की चिड़ियां, आंगन में संगमरमर का हौज, उसके किनारे संगमरमर की अप्सराएं। मिसेस सेवक ने इन सारी वस्तुओं में से किसी की प्रशंसा नहीं, कहीं भी विस्मय या आनंद का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उन्हें आनंद के बदले ईर्ष्या हो रही थी। ईर्ष्या में गुणग्राहकता नहीं होती। वह सोच रही थी कि यह एक भाग्यवान है कि ईश्वर ने इन्हें भोग विलास और आमोद प्रमोद की इतनी सामग्रियां प्रदान कर रखी है। एक अभागिनी मैं हूँ कि एक झोपड़े में पड़ी हुई दिन काट रही हूँ। सजावट और बनावट का जिक्र ही क्या, आवश्यक वस्तुएं भी काफी नहीं। इस पर तुर्रा यह कि हम प्रातः से संध्या तक छाती फाड़ कर काम करते हैं, यहाँ कोई तिनका तक नहीं उठाता, लेकिन इसका क्या शोक। आसमान की बादशाहत में तो अमीरों का हिस्सा नहीं, वह तो हमारी निराश होगी। अमीर लोग कुत्तों की भांति दुत्कारे जाएंगे, कोई झांकने तक ना आएगा। इस विचार से उन्हें कुछ तसल्ली हुई। ईर्ष्या की व्यापकता की ही सौम्यवाद का सर्वप्रियता का कारण है। रानी साहेब को आश्चर्य हो रहा था कि इन्हें मेरी कोई चीज पसंद ना आई, किसी वस्तु का बखान न किया। मैंने एक एक चित्र और एक एक प्याले के लिए हजारों खर्च किए, ऐसी चीजें यहाँ और किसके पास है, यह अब अलभ्य है, लाखों में भी न मिलेगी। कुछ नहीं बन रही है या इतना गुणगान ही नहीं इनकी कद्र कर सके। इतने पर भी रानी जी को निराशा नहीं हुई, उन्हें अपने बाग दिखाने लगी, भांति भांति के फूल और पौधे दिखाए। माली बड़ा चतुर था, प्रत्येक पौधे का गुण और इतिहास बतलाता जाता था, कहां से आया, कब आया, किस तरह लगाया गया, कैसे उनकी रक्षा की जाती है। पर मिसेज सेवक का मुंह अब भी न खुला, यहाँ तक कि अंत में उसने एक ऐसी नन्ही सी जड़ी दिखाई जो यरूशलेम से लाई गई थी। कुंवर साहब उसे स्वयं बड़ी सावधानी से लाए थे और उसमें एक एक पत्ती निकलना उसके लिए एक एक सूप संवाद से कम न था। नीचे सेवक ने तुरंत उस गमले को उठा लिया, उसे आंखों से लगाया और पत्तियों को चूमा, बोली, मेरा सौभाग्य है इस दुर्लभ वस्तु के दर्शन हुए। रानी ने कहा, कुंवर साहब स्वयं इसका बड़ा आदर करते हैं, अगर यह आज सूख जाए तो दो दिन तक उन्हें भोजन अच्छा न लगे। इतने में चाय तैयार हुई, मिसेज सेवक लंच पर बैठी। रानी जी को चाय से रुचि न थी, विनय और इंदु के बारे में बातें करने लगी, विनय के आचार विचार, सेवा भक्ति और परोपकार प्रेम की सराहना की, यहाँ तक कि मिसेज सेवक का जी उबता गया। इसके जवाब में वो अपनी संतानों को बखान न कर सकती थी। उधर मिस्टर जॉन सेवक और कुंवर साहब दीवान खाने में बैठे लंच कर रहे थे। चाय और अंडों से कुंवर साहब को रुचि न थी, विनय भी इन दोनों वस्तुओं को त्याज्य समझते थे। जॉन सेवक उन मनुष्यों में थे जिनका व्यक्तित्व शीघ्र ही दूसरों को आकर्षित कर लेता है, उनकी बातें इतनी विचारपूर्ण होती थी कि दूसरे अपनी बातें भूलकर उन्हीं की सुनने लगते थे, और यह बात न थी कि उनका भाषण शब्दाडंबर होता था। अनुभवशील और मानव चरित्र के बड़े अच्छे ज्ञाता थे, ईश्वर दत्त प्रतिभा थी, इसके बिना किसी सभा में सम्मान नहीं प्राप्त हो सकता। इस समय वह भारत की औद्योगिक और व्यवसायिक दुर्बलता पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे, अवसर पाकर उन साधनों को भी उल्लेख करते जाते थे जो इस कुदशा निवारण के लिए उन्होंने सोचे रखे थे।
अंत में बोले, हमारी जाति का उद्धार कला कौशल और उद्योग की उन्नति में इस सिगरेट के कारखाने से कम 1000 आदमियों के जीवन की समस्या हल हो जाएगी और खेती के सिर से उनका बोझ टल जाएगा। जितनी जमीन एक आदमी अच्छी तरह जोत बो सकता है उसमें घर भर का लगा रहना व्यर्थ है। मेरा कारखाना ऐसे बेकारों को अपनी रोटी कमाने का अवसर देगा। कुंवर साहब, लेकिन जिन खेतों में इस वक्त अनाज बोया जाता है उन्हीं खेतों में तंबाकू बोई जाने लगेगी, फल यह होगा कि अनाज और महंगा हो जाएगा। जौसेफ, मेरी समझ में तंबाकू खेती का असर जूट, सन, तेलहन और अफीम पर पड़ेगा। निर्यात जिस कुछ कम हो जाएगी, गल्ले पर इसका कोई असर नहीं पड़ सकता। फिर हम उस जमीन को भी जोत में लाने का प्रयास करेंगे जो अभी तक पड़ती पड़ी हुई है। कुंवर साहब, लेकिन तंबाकू कोई अच्छी चीज तो नहीं? इसकी गन्ना मादक वस्तुओं में है और स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। जॉन सेवक हंसकर, ये सब डॉक्टरों की कोरी कल्पनाएं हैं जिन पर गंभीर विचार करना हास्यास्पद है। डॉक्टरों के आदेशानुसार हम जीवन व्यतीत करना चाहें तो जीवन का अंत ही हो जाए। दूध में सील के कीड़े रहते हैं, घी में चर्बी की मात्रा अधिक है, चाय और कहवा उत्तेजक है, यहाँ तक कि सांस लेने से भी कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उनके सिद्धांतों के अनुसार समस्त संसार कीटों से भरा हुआ है जो हमारे प्राण लेने पर तुले हुए हैं। व्यवसायी लोग इन गोरख धंधों में नहीं पड़ते, उनका लक्ष्य केवल वर्तमान परिस्थितियों पर रहता है। हम देखे हैं कि इस देश में विदेश से करोड़ों रुपए के सिगरेट और सिगार आते हैं। हमारा कर्तव्य है कि इस धन प्रवाह को विदेश जाने से रोके, इसके बगैर हमारा आर्थिक जीवन कभी पनप नहीं सकता। यह कहकर उन्होंने कुंवर साहब को गर्वपूर्ण नेत्रों से देखा। कुंवर साहब की शंकाएं बहुत कुछ निवृत्त हो चुकी थी। प्रायवादी की निरुत्तर होते देखकर हम दिलेर हो जाते हैं। बच्चा भी भीगते हुए कुत्ते पर निर्भर होकर पत्थर फेंकता है। जॉन सेवक निशंक होकर बोले, मैंने इन सब पहलुओं पर विचार करके ही यह मत स्थिर किया और आपके इस दास को प्रभु सेवक की ओर इशारा करके इस व्यवसाय का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा। मेरी कंपनी के अधिकांश हिस्से बिक चुके हैं पर अभी रुपए नहीं वसूल हुए। इस प्रांत में अभी सम्मिलित व्यवसाय करने का दस्तूर नहीं, लोगों में विश्वास नहीं, इसलिए मैंने 10% वसूल करके काम शुरू कर देने का निश्चय किया है। साल दो साल में जब आशातीत सफलता होगी और वार्षिक लाभ होने लगेगा तो पूंजी आप ही आप दौड़ी आएगी। छत पर बैठा हुआ कबूतर आ आ की दाना बिखेर जाएगा, आ आ की आवाज सुनकर सशंक हो जाता है और जमीन पर नहीं उतरता, पर थोड़ा सा दाना बिखेर दीजिए तो तुरंत उतर आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि पहले ही साल हमें 25% लाभ होगा। यह प्रोस्पेक्टस है, इसे गौर से देखिए। मैंने लाभ का अनुमान करने से बड़ी सावधानी से काम किया, बढ़ भले ही जाए कम नहीं हो सकता। कुंवर साहब, पहले ही साल 25%? जॉन से बोले, जी हाँ, बड़ी आसानी से। आपसे मैं हिस्से लेने के लिए विनय करता हूँ, पर जब तक 1 साल का लाभ न दिखा दूँ आग्रह नहीं कर सकता। हाँ, इतना अवश्य निवेदन करूँगा कि उस दिशा में संभव है हिस्से बराबर पर न मिल सके। 100 रुपये के हिस्से शायद 200 रुपये पर मिले। कुंवर साहब, मुझे अब एक ही शंका और है। यदि इस व्यवसाय में इतना लाभ हो सकता है तो अब तक ऐसी और कंपनियाँ क्यों ना खुली? जॉन से हंसकर, इसलिए कि अभी तक शिक्षित समाज में व्यवसाय बुद्धि पैदा नहीं हुई। लोगों की नस नस में गुलामी समाई हुई है। कानून और सरकारी नौकर के सिवा और किसी के निगाह जाती ही नहीं। 2-4 कंपनियां खुली भी किंतु उन्हें विशेषज्ञों के परामर्श और अनुभव से लाभ उठाने का अवसर न मिला। अगर मिला भी तो बड़ा महंगा पड़ा। मशीनरी मंगाने में 1 के 2 देने पड़े, प्रबंध अच्छा ना हो सका। विवश होकर कंपनियों को कारोबार बंद करना पड़ा। यहाँ प्रायः सभी कंपनियों का यही हाल है। डायरेक्टरों की थैलियाँ भरी जाती है, इससे बेचने और विज्ञापन देने में लाखों रुपए उड़ा दिए जाते हैं। बड़ी उदारता से दलालों का आदर सत्कार किया जाता है। इमारतों में पूंजी का बड़ा भाग खर्च कर दिया जाता है। मैनेजर भी बहु वेतन भोगी रखा जाता है। परिणाम क्या होता है? डायरेक्टर अपनी जेब भरते हैं, मैनेजर अपना पुरस्कार भोगता है, दलाल अपनी दलाली लेता है,
मतलब यह कि सारी पूंजी ऊपर ही ऊपर उड़ जाती है। मेरा सिद्धांत है कम से कम खर्च और ज्यादा से ज्यादा नफा। मैंने एक कौड़ी दलाली नहीं दी, विज्ञापनों की मद उड़ा दी, यहाँ तक कि मैनेजर के लिए भी केवल 500 रुपये ही वेतन देना निश्चित किया है। हालांकि किसी दूसरे कारखाने में 1000 सहज ही मिल जाते हैं, उस पर घर का आदमी। डायरेक्टर के बारे में भी मेरा यही निश्चय है कि सफर खर्च के सिवा और कुछ न दिया जाए। कुंवर साहब सांसारिक पुरुष न थे, उनका अधिकांश समय धर्म ग्रंथों के पढ़ने में लगता था। वह किसी ऐसे काम में शरीक न होना चाहते थे जो उनकी धार्मिक एकाग्रता में बाधक हो। धूर्तों ने उन्हें मानव चरित्र का चिद्रणवेशी बना दिया था, उन्हें किसी पर विश्वास न होता था। पाठशाला और अनाथालयों को चंदे देते हुए बहुत डरते रहते थे और बहुधा इसी विषय में औचित्य की सीमा से बाहर निकल जाते थे। सुपात्रों को भी उनसे निराश होना पड़ता था, पर संयमशीलता यहाँ इतनी सशंक रहती है, वहाँ लाभ का विश्वास होने पर उचित से अधिक निशंक भी हो जाती। मिस्टर जॉन सेवक का भाषण व्यवसायिक ज्ञान से परिपूर्ण था, पर कुंवर साहब पर इससे ज्यादा प्रभाव उनके व्यक्तित्व का पड़ा। उनकी दृष्टि से जॉन सेवक अब केवल धन के उपासक न थे, वरन हितैषी मित्र थे। ऐसा आदमी उन्हें मुगलता न दे सकता था। बोले, जब आप इतने किफायत से काम करेंगे तो आपको उद्योग अवश्य सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको शायद अभी मालूम ना हो, मैंने यहाँ एक सेवा समिति खोल रखी है। कुछ दिनों से यही सख्त सवार है, उसमें इस समय लगभग 100 स्वयं सेवक हैं। मेले ठेले में जनता की रक्षा और सेवा करना उसका काम है। मैं चाहता हूँ कि उसे आर्थिक कठिनाइयों से सदा के लिए मुक्त कर दूँ। हमारे देश की संस्थाएं बहुधा धनाभाव के कारण अल्पायु होते हैं। मैं इस संस्था को सुदृढ़ बनाना चाहता हूँ और मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि इससे देश का कल्याण हो। मैं किसी से इस काम में सहायता नहीं लेना चाहता। उसके निर्विघ्न संचालन के लिए एक अस्थायी कोष की व्यवस्था कर देना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी मित्र और हितचिंतक समझकर पूछता हूँ, क्या आपके कारखाने में हिस्से लेने से मेरा उद्देश्य पूरा हो सकता है? आपके अनुमान में कितने रुपए लगाने से 1000 की मासिक आमदनी हो सकती है? जॉन सेवक की व्यवसायिक लोलुपता ने अभी उनकी सद्भावनाओं को शिथिल नहीं किया था। कुंवर साहब ने उनकी राय पर फैसला छोड़कर उन्हें दुविधा में डाल दिया। अगर उन्हें पहले से मालूम होता कि यह समस्या सामने आवेगी तो नफा का तखमीना बताने में ज्यादा सावधान हो जाते। गैरों से चाले चलना क्षम्य समझा जाता है, लेकिन ऐसे स्वार्थ के भक्त कम मिलेंगे जो मित्रों से दगा करें। सरल प्राणियों के सामने कपट भी लज्जित हो जाता है। जॉन सेवक ऐसा उत्तर देना चाहता था जो स्वार्थ और आत्मा दोनों ही को स्वीकार हो। बोले, कंपनी की जो स्थिति है वह मैंने आपके सामने खोल कर रख दी है। संचालन विधि भी आपको बतला चुका हूँ। मैंने सफलता के सभी साधनों पर निगाह रखी है। इस पर भी संभव है मुझसे भूले हो गई हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनुष्य विधाता के हाथों का खिलौना मात्र है। उसके सारे अनुमान, सारी बुद्धिमता, सारी शुभ चिंताएं नरसंगिक शक्तियों के अधीन है। तंबाकू की उपज बढ़ाने के लिए किसानों को पेशगी रुपए देने ही पड़ेंगे। एक रात का पाला कंपनी के लिए घातक हो सकता है। जले हुए सिगरेट का एक टुकड़ा कारखाना को खाक में मिला सकता है। हाँ, मेरी परिमित बुद्धि की दौड़ जहाँ तक है, मैंने कोई बात बढ़ाकर नहीं कही है। आकस्मिक बाधाओं को देखते हुए आप लाभ के अनुमान में कुछ और कमी कर सकते हैं। कुंवर साहब, आखिर कहाँ तक? जोसेफ, 20 रुपये सैकड़े समझिए। कुंवर साहब, और पहले वर्ष? जोसेफ, कम से कम 15 रुपये प्रति सैकड़े। कुंवर साहब, मैं पहले वर्ष 10 रुपये, उसके बाद 15 रुपये प्रति सैकड़े पर संतुष्ट हो जाऊंगा। जोसेफ, तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि हिस्सा लेने में विलंब न करें। खुदा ने चाहा तो आपको कभी निराशा न हो। 100-100 रुपये के हिस्से थे। कुंवर साहब ने 500 हिस्से लेने का वादा किया और बोले, कल पहली किस्त के 10,000 रुपये बैंक द्वारा आपके पास भेज दूंगा। जॉन सेवक की ऊंची से ऊंची उड़ान भी यहाँ तक न पहुंची, पर वह इस सफलता पर प्रसन्न न हुए। उनकी आत्मा अब भी उनका तिरस्कार कर रही थी कि तुमने एक सरल हृदय सज्जन पुरुष को धोखा दिया। तुमने देश की व्यवसायिक उन्नति के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए यह प्रयत्न किया है।
देश के सेवक बनकर तुम अपनी पांचों उंगलियां घी में रखना चाहते हो। तुम्हारा मनोवांछित उद्देश्य यही है कि नफे का बड़ा भाग किसी न किसी हीले से आप हजम करो। तुमने इस लोकोक्ति को प्रमाणित कर दिया कि बनिया मारे जान, चोर मारे अनजान। अगर कुंवर सिंह के सहयोग से जनता में कंपनी की साख जम जाने का विश्वास न होता तो मिस्टर जॉन सेवक साफ कह देते कि कंपनी इतने हिस्से आपको नहीं दे सकती। एक परोपकारी संस्था के धन को किसी संदिग्ध व्यवसाय में लगाकर उसके व्यक्तित्व को खतरे में डालना स्वार्थपरता के लिए भी कड़वा ग्रास था, मगर धन का देवता आत्मा का बलिदान पाए बिना प्रसन्न नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि अब यह निजी स्वार्थ के लिए यह स्वांग भर रहे थे, इनकी नीयत साफ नहीं थी। लाभ को भिन्न भिन्न नामों से अपने ही हाथ में रखना चाहते थे। अब उन्होंने निष्क्रिय होकर नेक नियति का व्यवहार करने का निश्चय किया। बोले, मैं कंपनी के संस्थापक की हैसियत से इस सहायता के लिए हृदय से आपका अनुग्रहित हूँ। खुदा ने चाहा तो आपको आज के फैसले पर कभी पछताना न पड़ेगा। अब मैं आपसे एक और प्रार्थना करता हूँ, आपकी कृपा से मुझे धृष्ट बना दिया है। मैंने कारखाने के लिए जो जमीन पसंद की है वह पांडेपुर के आगे पक्की सड़क पर स्थित है। रेल का स्टेशन वहाँ से निकट है और आसपास बहुत से गाँव हैं। रकबा 10 बीघे का है, जमीन पड़ती पड़ी हुई है। हाँ, बस्ती के जानवर उसमें चरने आया करते हैं। उसका मालिक एक अंधा फकीर है। अगर आप उधर कभी हवा खाने गए होंगे तो आपने उस अंधे को अवश्य देखा होगा। कुंवर साहब, हाँ हाँ, अभी तो कल ही गया था। वही अंधा है ना, काला काला दुबला दुबला, जो सवारियों के पीछे दौरा करता है, सवारियों के पीछे दौरा करता है। जॉन सेवक, जी हाँ, वही वही, वह जमीन उसी की है, किंतु वह उसे किसी दाम पर नहीं छोड़ना चाहता। मैं उसे 5,000 तक देता था पर राजी न हुआ। वह बहुत झक्की सा है, कहता है मैं वहाँ धर्मशाला, मंदिर और तालाब बनवाऊंगा। दिन भर भीख मांग कर जो तो गुजर करता है, उस पर इरादे इतने लंबे हैं। कदाचित मोहल्ले वालों के भय से उसे कोई मामला करने का साहस नहीं होता। मैं एक निजी मामले में सरकार से सहायता लेना उचित नहीं समझता, पर ऐसी दशा में मुझे इसके सिवा दूसरा कोई उपाय भी नहीं सूझता। और फिर यह बिल्कुल निजी बात भी नहीं है, म्युनिसिपलिटी और सरकार दोनों ही को इस कारखाने से हजारों रुपए साल की आमदनी होगी, हजारों शिक्षित और अशिक्षित मनुष्यों का उपकार होगा। इस पहलू से देखिए तो यह सार्वजनिक काम है और इसमें सरकार से सहायता लेने में मैं औचित्य का उल्लंघन नहीं करता। आप अगर जरा तवज्जो करें तो बड़ी आसानी से काम निकल जाए। उमर साहब, मेरा उस फकीर पर कुछ दबाव नहीं है, और होता भी तो मैं उससे काम ना लेता। आप राजा साहब चतारू? उमर साहब, नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता, वह मेरे दामाद है और इस विषय में मेरे उनसे कहना नीति विरुद्ध है। क्या वह आपके हिस्सेदार नहीं है? जी नहीं, वह स्वयं अतुल संपत्ति के स्वामी होकर भी धनियों की उपेक्षा करते हैं। उनका विचार है कि कल कारखाने पूंजी वालों और प्रभुत्व बढ़ाकर जनता का उपकार करते हैं, अपकार करते। इन्हीं विचारों ने उन्हें बड़ा प्रधान बना दिया। उमर साहब, यह तो अपना अपना सिद्धांत है, हम द्वैत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मेरा विचार यह है कि जनतावाद के प्रेमी सच्चे श्रेणी में जितने मिलेंगे उतने निम्न श्रेणी में ना मिल सकेंगे। खैर, आप उनसे मिलकर देखिए तो क्या कहूँ, शहर के आसपास मेरी 1 एकड़ जमीन भी नहीं है, नहीं तो आपको यह कठिनाई ना होती। मेरे योग्य और जो काम हो उसके लिए हाजिर। जॉन सेवक, जी नहीं, मैं आपको और कष्ट देना नहीं चाहता, मैं स्वयं उनसे मिलकर तय कर लूंगा। कुमार साहब, अभी तो मिस सोफिया पूर्ण स्वस्थ होने तक यही रहेगी ना, आपको तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है? जॉन सेवक, इस विषय में सिर्फ 2-4 बातें करके यहाँ से विदा हुआ। मिसेज सेवक फिटन पर पहले ही से आ बैठी थी। प्रभु सेवक विनय के साथ बाग में टहल रहे थे। विनय ने आकर जॉन सेवक से हाथ मिलाया। प्रभु सेवक उनसे कल फिर मिलने का वादा करके पिता के साथ चले। रास्ते में बातें होने लगी। जॉन सेवक, आज एक मुलाकात में जितना काम हुआ उतना महीनों की दौड़ धूप से भी न हुआ था। कुंवर साहब बड़े सज्जन आदमी हैं, 50,000 के हिस्से ले लिए, ऐसे ही 2-4 भले आदमी और मिल जाए तो बेरा पार है। प्रभु सेवक, इस घर के सभी प्राणी दया और धर्म के पुतले हैं। विनय सिंह जैसा वाक मर्मज्ञ नहीं देखा, मुझे तो इनसे प्रेम हो गया। जॉन सेवक, कुछ काम की बातचीत भी की? प्रभु सेवक, जी नहीं,
आपके नजदीक जो काम की बातचीत है उन्हें उसमें जरा भी रुचि नहीं। वह सेवा का व्रत ले चुके हैं और इतनी देर तक अपनी समिति की चर्चा करते रहे। जोसेफ, क्या तुम्हें आशा है कि तुम्हारा यह परिचय चतारी के राजा साहब पर भी कुछ असर डाल सकता है? विनय सिंह राजा साहब से हमारा कुछ काम निकलवा सकते हैं? प्रभु से उनसे कहे कौन, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं। उन्हें आप स्वदेशानुरागी सन्यासी समझिए। मुझसे अपनी समिति में आ जाने के लिए उन्होंने बहुत आग्रह किया है। जॉन सेवक, शरीक हो गए ना? प्रभु सेवक, जी नहीं, कहा आया हूँ कि सोच कर उत्तर दूंगा। बिना सोचे समझे इतना कठिन व्रत क्यों कर धारण कर लेता? जॉन सेवक, मगर सोचने समझने में मेहमानों न लगा देना, महीनों न लगा देना, दो चार दिन में आकर नाम लिखा लेना, तब तुम्हें उनसे कुछ काम की बातें करने का अधिकार हो जाएगा। स्त्री से, तुम्हारी रानी जी से कैसी निभी? मिसेस सेवक, मुझे तो उनसे घृणा हो गई, मैंने किसी से में इतना घमंड नहीं देखा। प्रभु सेवक, मम्मा आप उनके साथ घोर अन्याय कर रही हैं। मिसेस सेवक तुम्हारे लिए देवी होंगी, मेरे लिए तो नहीं है। जॉन सेवक, यह तो मैं पहले ही समझ गया था कि तुम्हारी उनसे न पटेगी। काम की बातें न तुम्हें आती है न उन्हें। तुम्हारा काम तो दूसरों में ऐब निकालना है, सोफी को क्यों नहीं लाई? मिसेस सेवक, वह आए भी तो या जबरन घसीट लाती? जॉन सेवक, आई नहीं या रानी ने आने नहीं दिया। प्रभु सेवक, वह तो आने को तैयार थी, किंतु इसी शर्त पर कि मुझ पर कोई धार्मिक अत्याचार न किया जाए। जॉन सेवक, इन्हें यह शर्त क्यों मंजूर होने लगी? मिसेस सेवक, हाँ इस शर्त पर मैं उसे नहीं ला सकती, वह मेरे घर रहेगी तो मेरी बात माननी पड़ेगी। जॉन सेवक, तुम दोनों में एक का भी बुद्धि से सरोकार नहीं। तुम सीढ़ी हो, वह जिद्दी है, उसे मना मनो कर जल्दी लाना चाहिए। प्रभु सेवक, अगर मम्मा अपनी बात पर अड़ी रहेंगी तो शायद वह फिर घर ना जाए। जॉन सेवक, आखिर जाएगी कहाँ? प्रभु सेवक, उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, रानी उस पर जान देती है। जॉन सेवक, यह बेल मुंडे चढ़ने का नहीं है, दो में से एक को दबना पड़ेगा। लोग घर पहुंचे तो गाड़ी दाहट पाते ही ईश्वर सेवक ने बड़ी स्नेहमयी उत्सुकता से पूछा, सोफी आ गई ना? आ तुझे गले लगा लूं, ईश्वर तुझे अपने दामन में ले ले। जॉन सेवक, पापा वह अभी यहाँ आने की योग्य नहीं है, बहुत अशक्त हो गई है, दो चार दिन बाद आवेगी। ईश्वर सेवक, गजब खुदा का, उसकी यह दशा है और तुम सब उसे उसके हाल पर छोड़ा है? क्या तुम लोगों में जरा भी माना पमान का विचार नहीं रहा? बिल्कुल खून सफेद हो गया। मिसेस सेवक, आप जाकर उसकी खुशामद कीजिएगा तो आवेगी, मेरे कहने से तो नहीं आई, बच्ची तो नहीं की गोद में उठा लाती। जॉन सेवक, पापा वहाँ बहुत आराम से है, राजा और रानी दोनों ही उसके साथ प्रेम करते हैं, सच पूछिए तो रानी ही ने उसे नहीं छोड़ा। ईश्वर सेवक, कुंवर साहब से कुछ काम की बातचीत भी हुई? जॉन सेवक, जी हाँ, मुबारक हो, 50,000 की गोटी हाथ लगी। इस पर सब शुक्र है, शुक्र है, यीशु मुझ पर अपना साया करे। यह कहकर वह फिर आराम कुर्सी पर बैठ गए। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी रंगभूमि भाग 3 बी। धन्यवाद।